हेलो दोस्तों, स्वागत है शर्मा फैंटेसी ग्रुप में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे WPL 2024 के दोस्तों फाइनल मैच के बारे में। दोस्तों फाइनल मैच आ चुका है इस टूर्नामेंट का, और ये जो फाइनल मैच है दोस्तों आपका खेला जाएगा दिल्ली वुमेन और दोस्तों बेंगलोर वुमेन के बीच में। बेंगलोर वुमेन की टीम दोस्तों फर्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा फाइनल में आई है। क्या दोस्तों इस फाइनल में इनका सपना पूरा होगा बेंगलोर का, इस तला कप नमदे होगा कि नहीं? देखो यार, दिल तो कहता है उठा ले यार, अभी तक एक बार भी दोस्तों बेंगलोर की टीम ने कुछ फाइनल जीता नहीं है, चाहे दोस्तों वो मेंस आईपीएल हो जाए चाहे दोस्तों वो वुमेन्स आईपीएल हो जाए। तो स्मृति दीदी, इस तला कप नमदे तो होना चाहिए ना। बट सामने दोस्तों दिल्ली की टीम है, कमजोर मत समझिएगा, इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। इनके पास आउटस्टैंडिंग दोस्तों बैट्समैन है, इनके पास दोस्तों आउटस्टैंडिंग विकेट टेकर बॉलर है। तो स्मृति दीदी, आसान तो आपके लिए नहीं रहने वाला है, क्योंकि बेंगलोर का दोस्तों रिसेंट मैचों में जो बैटिंग रहा है ना, बहुत ज्यादा खराब रहा है। स्मृति दीदी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एलेक्स पेरी की वजह से दोस्तों बेंगलोर की टीम फाइनल में पहुंची है। लेकिन एक प्लेयर के दोस्तों दम पे फाइनल नहीं जीता जाता है, टीम को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए इस फाइनल मैच के रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग अपना प्रेडिक्शन पे फोकस करते हैं, और सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पिच रिपोर्ट को। देखो दोस्तों, पिच रिपोर्ट में देखोगे जितने भी जो लास्ट चार मैचेस हुए हैं ना, सेम दोस्तों ध्यान रखना अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भी ये फाइनल मैच रहने वाला है। और इस पिच में सभी के सभी लो स्कोरिंग ही मैच हुए हैं, क्योंकि देखो एक ही पिच में यदि बार बार मैच होगा ना, तो जो पिच होगा ना दोस्तों वो आपका स्लो हो जाएगा। जैसे आपने लास्ट मैच में देखा था जो दोस्तों आरसीबी वुमेन और दोस्तों एमआई वुमेन के बीच में हुआ था, सेकेंड इनिंग में पिच इतना स्लो हो गया कि दोस्तों मुंबई के बैट्समैन एक सिक्स तक स्कोर नहीं कर पा रहे थे, सिक्स छोड़िए दोस्तों एक बाउंड्री भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस मैच में भी ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। यदि दोस्तों दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो आपका एवरेज स्कोर इस मैच का 150 और 170 के बीच में रहेगा। कब? जब दोस्तों दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करे, दिल्ली वुमेन की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है। तो यदि बेंगलोर की टीम दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करे तो आपका एवरेज स्कोर 130 और 150 के बीच में रहेगा। उसका रीजन भी मैं बताता हूं दोस्तों, उसका रीजन सिंपल सा क्या है ना, कि यहां पे दोस्तों दिल्ली का जो बैटिंग लाइनअप है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक ना, और वहीं दोस्तों बेंगलोर का उतना स्ट्रांग नहीं है, और दिल्ली का बॉलिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बेंगलोर। तो दैट्स वाई दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ दिल्ली को एडवांटेज दिए, क्योंकि अभी अभी तक दोस्तों हम लोग को टॉस का कोई अपडेट नहीं है। टॉस तो दोस्तों लास्ट 30 मिनट से पहले होगा। तो ये ध्यान रखिएगा एवरेज स्कोर, और इसी को ध्यान में रख के टीम बनाइएगा। पेसर और फास्ट बॉलर में दोस्तों देखो जो लास्ट चार मैचेज हुए हैं ना, सभी मैच में दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे ना स्पिनर को ज्यादा विकेट मिले। लास्ट मैच ले लो दोस्तों, स्पिनर 9 विकेट लिए, उससे पहले दोस्तों 5 विकेट लिए, 4 विकेट, 8 विकेट, मैक्सिमम मैच में दोस्तों स्पिनर ज्यादा विकेट लेके जा रहे हैं। और दोनों टीमों के पास काफी अच्छे स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है दोनों टीम के पास, तो इसलिए स्पिनर पे थोड़ा फोकस भी कीजिएगा, और कैप्टन मिसी भी आप स्पिनर को ट्राई कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए इस मैच के रिगार्डिंग दोस्तों दोनों टीमों का हम लोग ना हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो दोनों टीमों के बीच में दोस्तों आप देखोगे WPL में टोटल 4 मैचेज हुए हैं, ठीक ना, लास्ट 4 मैच भी आप देख सकते हो। और इस 4 मैच में दोस्तों बेंगलोर की टीम अनएक्सपेक्टेड नहीं बोलूंगा दोस्तों, सही भी है, एक भी मैच दोस्तों विन नहीं कर पाई है दिल्ली के अगेंस्ट, एक भी नहीं। 4 के 4 में दोस्तों दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम ने विन किया है। तो क्या दोस्तों फाइनल से बेंगलोर की टीम ये इस सिलसिला को तोड़ेगी? देखो तोड़ना है ना, तो यार मैं बता रहा हूं बेंगलोर टीम के सभी 11 प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि 11 प्लेयर परफॉर्म नहीं करती है एटलीस्ट, देखो ये टीम ना सिर्फ एक प्लेयर के दम पे अभी चल रही है, तो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा बेंगलोर वुमेन को, तभी जाके दोस्तों दिल्ली जैसी टीम को हरा पाएगी, ठीक ना। हेड टू हेड रिकॉर्ड तो यही बोलता है बेंगलोर का पलड़ा बहुत ज्यादा डाउन है, दिल्ली का बहुत ज्यादा हाई है। चलिए तो हो गया दोनों टीमों का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड, अब हम लोग अपने फाइनल टीम पे भी फोकस करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक ऑफर दोस्तों आप लोग देख लो, स्पोर्ट्स बाजी की तरफ से आपके लिए आया है, और ये ऑफर दोस्तों एलिमिनेटर मैच में भी था और फिर से आ गया है दोस्तों आपके लिए। ₹1000 का दोस्तों फ्री गिव अवे, और साथ ही साथ आपको गिफ्ट हैम्पर भी इसके साथ मिलेगा। अब इस गिव अवे में कैसे आप पार्टिसिपेट करोगे ध्यान से समझिएगा। आपके पास दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, पहले मैं ये तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर कैसे लिखना है और कैसे पार्टिसिपेट करना है मैं वो भी बता दूंगा, और जो लास्ट मैच में विनर बने थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दोस्तों इस मैच में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो 160 से दोस्तों ऊपर स्कोर करेगी।
आपको सिंपली दोस्तों इसका आंसर नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इस मैच में दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी पे सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन देगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये है, आपको बताना है कि ये जो मैच है कौन सी टीम दोस्तों विन करेगी। तीनों दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त पार्टिसिपेट करें। देखिए पार्टिसिपेट कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यदि आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक दोस्तों मैं आपको नीचे ही अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन ओपन कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा स्पोर्ट्स बाजी का लिंक, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखो जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा ना तो आपको जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ही देना है, लेकिन सबसे पहले आप क्या डाल देना, अपने स्पोर्ट्स बाजी का दोस्तों यूजर नेम डाल देना। सबसे ऊपर आप कमेंट सेक्शन में स्पोर्ट्स बाजी का यूजर नेम डाल दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों 1, 2 और 3 करके फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर और थर्ड का आंसर, जो मैंने आपसे यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा डाल दीजिएगा। लेकिन यूजर नेम मिस नहीं कीजिएगा, यूजर नेम आप मिस कीजिएगा तो आपका आंसर सही भी होगा तो आपको माना नहीं जाएगा, ठीक ना। तो स्पोर्ट्स बाजी का यूजर नेम जरूर डाल दीजिएगा और जाइए, और 1000 रुपए का फ्री गिव अवे। और बता दूं कोई लिमिट नहीं है, यदि 100 मेंबर भी शर्मा फैंटेसी ग्रुप के विन करेंगे तो सभी के वैलेट में 1000 रुपया जाएगा स्पोर्ट्स बाजी के वैलेट में, और गिफ्ट हैम्पर दोस्तों आप जो भी एड्रेस दोगे वहां पे जाएगा। तो सभी दोस्त इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक ना। इस मैच में आप देखोगे दोस्तों आपके लिए 5000 रुपए का फ्री गिव अवे भी है, इसको भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बाजी पे मिल जाएगा। पैसा नहीं है तो फ्री में दोस्तों आप प्ले करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। और एक शानदार दोस्तों डिपॉजिट ऑफर भी आ गया है आईपीएल को लेके। दोस्तों आप देखोगे डिपॉजिट ऑफर को थोड़ा सा एक बार आप लोग समझ लो, बहुत अच्छा दोस्तों डिपॉजिट ऑफर है। आईपीएल दोस्तों अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट स्पोर्ट्स बाजी आपको डिपॉजिट ऑफर अभी से ही देना स्टार्ट कर दिया है। देखो दोस्तों जो फर्स्ट डिपॉजिट ऑफर है, यदि आप यहाँ पे 1000 और 5000 के बीच में डिपॉजिट करते हो तो आप ये कोड यूज कर लीजिएगा IPL3, और दोस्तों आपको 3% ध्यान रखिएगा रियल कैश मिलेगा। यहाँ पे मैं बोनस नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, रियल कैश मिलेगा जिससे आप प्ले कर सकते हैं, ठीक ना। यदि आप IPL5 डालते हो और आपका जो डिपॉजिट होता है वो 10,000 और 50,000 के बीच में होता है तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5% का एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा। एक और ऑफर है दोस्तों, यदि आप 50,000 से ऊपर का यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो IPL7 कोड डाल लीजिएगा जिसपे दोस्तों आपको 7% का दोस्तों रियल कैश मिलेगा। जो भी आप दोस्तों डिपॉजिट कर रहे हो उसके हिसाब से इसका बेनिफिट ले सकते हो, और इसका ना 2 बार बेनिफिट ले सकते हो, सभी ऑफर का 2-2 बार बेनिफिट ले सकते हो, दैट मींस 6 बार टोटल आप बेनिफिट ले सकते हो। जाइए दबा के डिपॉजिट कीजिए और बेनिफिट लीजिए। फाइनल टीम दोस्तों इसका स्मॉलिक का भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ आप स्टैट्स प्रो भी प्ले कर सकते हैं फैंटेसी के साथ, स्टैट्स प्रो में आपको बीच में मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बेस्ट लगे वो सेलेक्ट करके दोस्तों आप प्ले कर सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी पे, फैंटेसी के साथ साथ स्टैट्स प्रो भी जरूर ट्राई कीजिए, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, और हम लोग देख लेते हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल का इस मैच में, इस फाइनल मैच में क्या प्लेइंग 11 रहने वाला है। तो सच बताऊं दोस्तों कोई चेंजेस नहीं होने वाला है दिल्ली वुमेन की टीम में, सेम वही दोस्तों प्लेइंग 11 रहेगा जो दोस्तों अभी तक इनके पूरे टूर्नामेंट में थे। ओपन बैटिंग दोस्तों आपको करेगी शेफाली वर्मा, फिर मिड एम लैंगिंग दिखेगी ए कैस्पी, जेमिमा रोड्रिक्स, एम कैप जॉनसन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली इस मैच में। इसके बाद दोस्तों टी भाटिया सिर्फ विकेट कीपिंग करेगी, ए रेडी, शिखा पांडे, फिर आपको मिलेगी दोस्तों राधा यादव और टी संधू, कोई चेंजेज आपको नहीं मिलेगा। चलिए इनके दोस्तों हम लोग डायरेक्ट अपना सभी प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं कि बेंगलोर के अगेंस्ट कैसा इनके प्लेयर का परफॉर्मेंस रहा है। तो सबसे पहले मिलेगी दोस्तों इस टीम की कैप्टन एम लैंगिंग जो दोस्तों कमाल की फॉर्म में चल रही है, रिसेंट मैच आप देख सकते हो जो लास्ट 5 मैच के लिए जिसमें 3 मैच में दोस्तों आपको 50+ स्कोर कर चुकी है। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे तो हेड टू हेड में दोस्तों इन्होंने 4 मैच खेला है जहां पे बैटिंग किस से 127 रन स्कोर कर चुकी है बेंगलोर के अगेंस्ट। दैट मीन दोस्तों एम लैंगिंग का बेंगलोर के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मस्ट पिक है, हम लोग जरूर इनको अपने टीम में लेके चलेंगे, ठीक ना। फिर नीचे दोस्तों आपको मिल जाएगी शेफाली वर्मा का ऑप्शन, शेफाली वर्मा का भी रिकॉर्ड काफी अच्छा है बेंगलोर के अगेंस्ट। आप देखोगे इन्होंने 4 मैच खेला है और इस 4 मैच में 157 रन स्कोर किया और 39 का दोस्तों इनका एवरेज है बेंगलोर के अगेंस्ट। दैट मीन दोस्तों दिल्ली के जो दोनों ओपनर बैट्समैन है ना, दोनों ओपनर बैट्समैन का दोस्तों बेंगलोर के अगेंस्ट बहुत शानदार दोस्तों एवरेज है बैटिंग से, ये चीज दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रैंड लीग में दिल्ली को आप फेवर करके दोस्तों
एक ऐसा टीम बना सकते हो जिसमें आप दिल्ली के सभी बॉलर ले रहे हो और दिल्ली के दोनों ओपनर को रख रहे हो और दोनों ओपनर को कैप्टन भी सी कर रहे हो ग्रेनली के रिगार्डिंग, क्योंकि दोनों ओपनर का एवरेज बहुत अच्छा है बेंगलोर के अगेंस्ट, ठीक ना। ये छोटा सा मैंने आपको टिप्स दिया है, ग्रेनली जरूर ट्राई कर सकते हो इस टीम के साथ। फिर आपको मिलेगी दोस्तों एक कैश भी बेंगलोर के अगेंस्ट, दोस्तों चार मैच में 132 रन है इनका भी दोस्तों, आप एवरेज देखो तो 44 का है और तीन विकेट भी ले चुकी है, दैट मींस बेंगलोर के अगेंस्ट दोस्तों एक कैश पे का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। तो ये भी आपके लिए दोस्तों मस्ट पिक है इस मैच में, सभी टीम में लेके चलिएगा। जमीमा रॉड्रिक्स का रिकॉर्ड देख ले तो बेंगलोर के अगेंस्ट दोस्तों इन्होंने चार मैच खेला है और इस चार मैच में दोस्तों बैटिंग से 112 रन और 237 का एवरेज है, दैट मींस भाई साहब दिल्ली के सभी बैट्समैन क्या बेंगलोर के पीछे हाथ धो के बैठे हुए हैं क्या? देखो तो यार इनका भी एवरेज बहुत अच्छा है बेंगलोर के, इसलिए मैं बोल रहा था दोस्तों दिल्ली की टीम को ही फेवर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और इनके सभी बैट्समैन का रिकॉर्ड तो आप देखो बेंगलोर के अगेंस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है। फिर आपको नीचे मिलेगी दोस्तों नीचे जो प्लेयर है इनकी एक अच्छी प्लेयर है और ऑलराउंडर प्लेयर एम कैप, जिनका आपको परफॉर्मेंस मिलेगा चार मैच में बेंगलोर के अगेंस्ट 115 रन तीन विकेट। देखो दोस्तों एम कैप का मैंने एक चीज देखा है बेंगलोर के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करती है बॉलिंग से, विकेट थोड़ा सा कम मिलता है। स्मृति मंदाना दोस्तों इनको बहुत अच्छा टैकल करती है, हाँ स्मृति मंदाना के सामने जो रहेगी दोस्तों मॉलिक्यूल्स हो सकता है उनका ये विकेट ले ले, कि स्मृति मंदाना मुझे लगता है कि इस मैच में इनको टैकल कर लेगी, ऐसे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ड्रॉप हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि एक ऑलराउंडर प्लेयर है और वुमेन के मैच में दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ड्रॉप तो दोस्तों हम लोग कभी भी नहीं करेंगे, ओके ना। फिर हम लोग आगे बढ़े दोस्तों, आगे नेक्स्ट प्लेयर आपको मिलेगी जे जॉनसन, जो दोस्तों बैटिंग से तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ बॉलिंग से दोस्तों ये प्लेयर ना सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख ले तो इन्होंने चार मैच खेला है बेंगलोर के अगेंस्ट जहां पे सिर्फ तीन विकेट लिए, जो बेंगलोर के लिए बहुत अच्छी बात है कि बेंगलोर के अगेंस्ट बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है फाइनल मैच में दोस्तों ये बहुत बड़ी ट्रेड बन सकती है बेंगलोर के लिए, तो बेंगलोर को इनको सही से प्ले करना होगा और इनको दोस्तों सही से प्ले करने के लिए ना पेरी को सही से प्ले करना पड़ेगा और पेरी के साथ साथ स्मृति मंदाना इनको अच्छा से टैकल कर सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में स्मृति मंदाना ने इनके अगेंस्ट काफी अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि ये पिच इतना ज्यादा स्लो हो चुका है ना, तो स्पिनर यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। टी भाटिया को आपको देखना भी नहीं है, ड्रॉप करके ही चलिए, विकेट कीपिंग सेक्शन से सिंपली आप रिचा घोष को ले लेना, इनका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है तो क्या दोस्तों आप टीम में रखोगे। अब फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी और ये दोस्तों आपको मिलेगी बॉलिंग सेक्शन में, ट्रॉमकट का काम कर सकती है, इनका आप रिकॉर्ड भी देखोगे तो बेंगलोर के अगेंस्ट तीन मैच में तीन विकेट है, अच्छी प्लेयर है, तीन से चार ओवर आपको कंफर्म बॉलिंग करके देगी, ध्यान रखिएगा इस प्लेयर पे, ठीक ना। ए रेडी एक काफी अच्छी दोस्तों ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपको बॉलिंग सेक्शन में अवेलेबल है, जो आपको बॉलिंग कंफर्म करेगी, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट मैच भी दोस्तों ठीक ठाक रहा है, तो थोड़ा सा आप इन पे फोकस कर सकते हैं, ठीक ना। मैं देख रहा था इनका सिलेक्शन काफी ज्यादा कम गया हुआ है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगी शिखा पांडे का ऑप्शन, देखो यार शिखा पांडे ना बेंगलोर के अगेंस्ट सबसे बेस्ट कोई परफॉर्मेंस करता है तो वो यही बॉलर है, आप इनका अदर मैच में रिकॉर्ड देखेंगे जो अदर टीम के अगेंस्ट ये खेलती है वहां पे इनका कुछ परफॉर्मेंस नहीं आता है, लेकिन जब सामने बेंगलोर की टीम होती है तो चार मैच में छह विकेट लेके बैठी हुई है शिखा पांडे, और इस मैच में भी दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से ध्यान रखना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो चार ओवर कंफर्म आपको बॉलिंग करेगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो मस्ट पिक तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन रोटेशन जरूर आप ट्राई करना इनको और टोटली इग्नोर करके मत जाइएगा, ठीक ना, थोड़ा सा फोकस जरूर रखिएगा। फिर नीचे आपको राधा यादव मिलेगी जिनका बेंगलोर के अगेंस्ट सबसे खराब रिकॉर्ड है, चार मैच के लिए जीरो विकेट लिए, इन्होंने अदर टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जब दोस्तों ये बेंगलोर के अगेंस्ट खेलती है ना तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, और शिखा पांडे जस्ट अपोजिट है, वो अदर टीम के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं कर पाती है बट बेंगलोर के अगेंस्ट अच्छा करती है, इसलिए जो ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, रीसेंट मैच वेन्यू और WPL से भी ज्यादा, इसलिए मैं मेन फोकस ना WPL पे हेड टू हेड पे करता हूँ, आपके पास रिकॉर्ड आपको सब मिल जाएगा नीचे WPL का भी, वेन्यू का भी, रीसेंट मैचों का भी, लेकिन मेन फोकस हेड टू हेड रिकॉर्ड पे किया कीजिए, ठीक ना। यहाँ से आपको पता चलेगा यार किस प्लेयर का कैसा परफॉर्मेंस है हेड टू हेड में। एम मेनू का दोस्तों कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ड्रॉप करके आप चलिए दोस्तों पूनम यादव खेलेगी नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों बेंगलोर के वुमेन के प्लेइंग 11 पे, देखो दोस्तों इनकी टीम में भी मैं सच बता रहा हूँ कोई आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ओपन बैटिंग आपको स्मृति मंदाना करेगी, इनके साथ सोफिया डिवाइन, इस मंगाला हो सकता है दोस्तों इस मैच में आपको खेलते हुए दिख जाए, लेकिन मेरे को लगता है दोस्तों ई पेरी पहले आएगी, मंगाला बाद में आए,
ऋचा घोष जिनको मैंने आपको बोला था विकेट कीपिंग सेक्शन से, इनके अलावा किसी पे नहीं सोचिएगा। ई वारेन मस्ट पिक है आपके लिए। एस मॉलिक्यूल दोस्तों हो सकता है ओपन बैटिंग करेगी, मेरे एडिटर साहब ने थोड़ा सा इसको मिस्टेक कर दिया है। स्मृति मंदाना के साथ दोस्तों एस मॉलिक्यूल ओपन बैटिंग करेगी और सोफिया डिवाइन दोस्तों इनके जगह पे आएगी, ठीक ना। सोफिया डिवाइन यार बैटिंग से कुछ कर नहीं पा रही है इसलिए टीम दोस्तों इनको नीचे कर दिया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सोफिया डिवाइन को फाइनल मैच में एनी हाउ प्ले करना होगा। यदि बेंगलोर को जीतना है ना तो एक तो स्मृति मंदाना, सेकेंड सोफिया डिवाइन, थर्ड दोस्तों पेरी जो सभी मैच में परफॉर्मेंस कर रही है, और फोर्थ दोस्तों इनके एक स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, चाहे दोस्तों जी वारेन हो ठीक ना या दोस्तों मॉलिक्यूल्स हो, ये दोनों में से दोस्तों कोई भी एक प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि ये चार प्लेयर दोस्तों मिलकर परफॉर्मेंस करती है तब जाके दोस्तों बेंगलोर की टीम फाइनल बेस्ट कर सकती है और फाइनल लेके जा सकती है। यदि ये चार में तीन फ्लॉप हो जाती है तो फिर तो यार भूल जाओ, फाइनल मैच नहीं जीत पाएगी ये टीम। तो परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा इस टीम के सभी प्लेयर को, ठीक ना। बॉलिंग में भी दोस्तों आपको कुछ खास चेंजेस नहीं मिलेगा। एस पटेल है, एस पटेल एक इंपॉर्टेंट रहेगी स्पीच पे। एस पटेल का जो बॉल है ना बहुत अच्छा दोस्तों ग्रिप भी कर रहा है और टर्न भी काफी अच्छा कर रहा है। तो इस मैच में जो बेंगलोर के पास दो स्पिनर है, एस पटेल और दोस्तों आस्था, ये दोनों बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली इस मैच में। और आशा का ना हेड टू हेड रिकॉर्ड भी दिल्ली के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा ये सब प्लेयर पे आपको फोकस जरूर रखना चाहिए, ठीक ना। चलिए बारी बारी से दोस्तों हम लोग बेंगलोर वुमेन के सभी प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट आपको मिलेगी दोस्तों स्मृति मंदाना। हेड टू हेड में दोस्तों इन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट चार मैच खेला है और इस चार मैच में 122 रन है। जैसा मैंने बताया भी था मंदाना दिल्ली के अगेंस्ट अच्छा खेलती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस मैच में बेटर परफॉर्मेंस जरूर करके आपको देगी, ठीक ना। फिर नीचे आपको मिलेगी सोफिया डिवाइन, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देख ले तो बहुत अच्छा तो नहीं है। चार मैच में दोस्तों सिर्फ 84 रन है और दो विकेट है। बॉलिंग से भी उतना अच्छा नहीं है और दोस्तों बैटिंग से भी उतना अच्छा आपको इनका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ड्रॉप तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ी प्लेयर है, उम्मीद करते हैं दोस्तों परफॉर्म करके जाए। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस मंगाला का ऑप्शन मिलेगा जो उतना खास ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप करके दोस्तों आप कर सकते हो। हाँ ई पेरी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और रिकॉर्ड भी ना इनका दिल्ली वुमेन के अगेंस्ट बेस्ट है। सिर्फ तीन मैच के लिए दिल्ली वुमेन के अगेंस्ट जहां पे बैटिंग से 147 रन स्कोर कर पाई है, हाँ बॉलिंग से कोई विकेट नहीं है। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप नोट करो कि ए पेरी का बैटिंग से तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है, 147 रन स्कोर किए बट बॉलिंग से विकेट नहीं मिला है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक ना। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऋचा घोष का। चार मैच खेलिए दोस्तों दिल्ली वुमेन के अगेंस्ट और इस चार मैच में दोस्तों बैटिंग से 109 रन स्कोर करी है, बढ़िया रिकॉर्ड है। ऐसे भी दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आप किसको लोगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। टी भाटिया को तो भाई प्लीज मत लेना, ठीक ना, लीजिए सिंपली दोस्तों आप ऋचा घोष को। जी वारेन दोस्तों इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन दोस्तों दिल्ली की टीम ने इनको बहुत अच्छा से टैकल करती है। आप देखोगे दोस्तों इन्होंने दिल्ली वुमेन के अगेंस्ट तीन मैच जरूर खेला है बट तीन मैच में दोस्तों कभी भी ना इन्होंने विकेट नहीं लिया है, तीनों मैच में दोस्तों विकेट लेस गई है। तो जी वारेन पे इस मैच में आप ड्रॉप करके रिक्स भी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि इनका जो बॉल है ना इस पिच पे अच्छा खासा टर्न जरूर करेगा, लेकिन दिल्ली की टीम इनको बहुत अच्छा टैकल कर लेती है। चाहे दोस्तों दिल्ली की आप ई पेरी ये एक एसपी ले लो जो बहुत अच्छा इनको खेल लेती है मिडिल ऑर्डर में, तो थोड़ा सा इनको बच के रहना चाहिए और उम्मीद करते हैं बैटिंग से भी कुछ करके परफॉर्मेंस करे, क्योंकि इनका बैटिंग से भी यदि ये 20 से 25 रन स्कोर कर देती है तो बेंगलोर के लिए वो चीज बहुत अच्छा बन सकता है। तो जी वारेन इनको परफॉर्मेंस करना चाहिए। यदि आप बेंगलोर को टोटली फेवर करके टीम बना रहे हो ना वहां पे इनको जरूर रखना, चाहे आप एस मॉलिक से ड्रॉप करे हो। तो एस मॉलिक ओपन बैटिंग करेगी और 3 से 4 ओवर का बॉलिंग करेगी, मस्ट पिक है। हेड टू हेड भले ही इनका उतना अच्छा नहीं हो लेकिन आपको इनको ड्रॉप करके नहीं चलना है, सभी टीमें जरूर लेना है क्योंकि बैटिंग से दोस्तों आजकल अच्छा परफॉर्मेंस ये कर रही है। फिर नीचे आपको मिलेगी एस पटेल। अब क्यों मैं बोल रहा था एस पटेल पे थोड़ा सा फोकस रखना, सिलेक्शन कम है बट हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए, तीन मैच में दोस्तों 5 विकेट। दिल्ली की तरफ से दोस्तों आपको मैंने एक बताया था एस रेड्डी का, ए रेड्डी का जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा था। बेंगलोर के अगेंस्ट बेंगलोर की तरफ से दोस्तों आपको एस पटेल मिलेगी जिनका सिलेक्शन कम है बट हेड टू हेड में दैट मीन दिल्ली के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ये दोस्तों आज की सेकेंड आपके लिए ट्रॉम कार्ड प्लेयर बन गई है बॉलिंग सेक्शन से, ठीक ना। तो ये प्लेयर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नीचे आपको मिल जाएगी, इनको आपको लेके चलना नहीं है दोस्तों। आशा का थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हो, चार मैच इन्होंने हेड टू हेड में खेला है दिल्ली वुमेन के अगेंस्ट जहां पे 3 विकेट ऑलरेडी ले चुकी है।
अच्छी बॉलर है, इस पिच पे इनका बॉल काफी अच्छा टर्न भी करने वाला है, एक गेम चेंजर पिक। आप इनको ना स्मॉल लीग में नहीं ट्राई करना, बट जीएल में थोड़ा सा फोकस जरूर रखिएगा, ठीक ना। यदि आप बेंगलोर टीम को फेवर करके टीम बना रहे हो, मस्ट पिक है आशा, क्योंकि यदि ये विकेट लेगी बेंगलोर का टीम हाई चांस है विन कर सकती है, ठीक ना। तो आशा पे थोड़ा सा फोकस जरूर रखिएगा आप लोग, चाहे वो बैटिंग बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकेंड हो। नीचे आइएगा दोस्तों, आपको 11 प्लेयर मिलेगी, रेणुका सिंह जो आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, पता नहीं बेंगलोर की टीम इनको खिला भी क्यों रही है। WPL में इन्होंने जितना भी मैचेस खिलाए यार, आप इनका लास्ट 5 मैचों का परफॉर्मेंस देखो, किसी भी मैच में इनको विकेट नहीं मिला है, क्योंकि अच्छा बॉलिंग कर ही नहीं पा रही है, कहां से विकेट मिलेगा यार, कुछ बेटर तो बॉलिंग करे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ड्रॉप करके ही चलो, ठीक ना दोस्तों, कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। अब हम लोग दोस्तों इस मैच की रिगार्डिंग ना अपना स्मॉली का फाइनल टीम देख लेते हैं, क्योंकि इस मैच में दोस्तों हम लोग का क्या फाइनल टीम रहेगा। फाइनल टीम दोस्तों आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें मैंने दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको ऋचा घोष रखा है, और अदर को आपको रखना भी नहीं है दोस्तों। बैटिंग सेक्शन से एम लैंगिंग, स्मृति मंदाना, एस वर्मा, तीनों इंपॉर्टेंट पिक है। देखो बड़ा नाम है इसलिए मैंने नहीं रखा है दोस्तों, लेकिन तीनों का दोस्तों जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, जो मैंने आपको बताया था, तीनों का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसी वजह से मैंने इनको टीम में रखा है। और लाउंडर सेक्शन से ई कैस्पी, एम कैप, जे जॉनसन, ए कैस्पी को मैंने रखा है, फिर नीचे से दोस्तों जी वारेन और एस मॉलिक्यूल्स को रखा है। अब देखो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में जी वारेन की जगह आप एक और रिस्क ले सकते हो, तो आप बॉलिंग सेक्शन में ए रेडी को इनके जगह ट्राई कर सकते हो, ठीक ना। बॉलिंग सेक्शन में ए रेडी मिलेगी, उनको भी दोस्तों आप जी वारेन की जगह रख सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से अभी के लिए मैंने एस पटेल को रखा है, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड दिल्ली के अगेंस्ट सबसे बेस्ट है जितने भी बेंगलोर के बॉलर्स है, तो इसलिए मैंने एस पटेल को अपने टीम में बैक किया है। कैप्टन आप देखोगे दोस्तों ई पेरी, नो डाउट, क्योंकि सबसे अच्छी फॉर्म में चल रही है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग और 3 से 4 ओवर का बॉलिंग। और बीसी मैंने एम कैप को दिया है, लेकिन आप ग्रैंड लीग में क्या करना, ग्रैंड लीग में यही चीज आप चेंज करना। ग्रैंड लीग में आप एक या दो टीम आप जरूर रेडी करना, जिसमें आप दिल्ली के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को कैप्टन बीसी कर रहे हो, एम लैंगिंग, एस वर्मा और ए कैस्पी, ये तीनों प्लेयर को दोस्तों कैप्टन बीसी करके जीएल में एक दो टीम जरूर बनाना, क्योंकि तीनों प्लेयर का दोस्तों बेंगलोर के अगेंस्ट बैटिंग से बहुत अच्छा एवरेज है, और एक एसपी का दोस्तों बॉलिंग से भी अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बेंगलोर के अगेंस्ट। तो जीएल में आप जो मैंने आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड किया है, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। मैं भी दोस्तों ग्रैंड लीग में आपके लिए गेम चेंजर चीज वो चीज बन सकता है, तो इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से दोस्तों जो वो गिव अवे था मैं आपके सामने ले आता हूँ। सभी दोस्त कोशिश कीजिएगा स्पोर्ट्स बाजी का जो गिव अवे इसमें पार्टिसिपेट करने का। क्वेश्चन ये रहा, डाउनलोड नहीं किए हो तो स्पोर्ट्स बाजी ऐप आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों और इस फाइनल मैच के लिए मैंने अपना बेस्ट आपके साथ दोस्तों शेयर किया है, आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए, स्मॉल लीग टीम जरूर सेव कर लीजिएगा, और ग्रैंड लीग के रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको छोटा छोटा टिप्स दिया है, गेम चेंजर रहेगा, फोकस जरूर कीजिएगा। और ट्रम्प कार्ड प्लेयर मिस मत कीजिएगा, मैं भी कोई और बताया चाहे ना बताया, लेकिन मेरा दोस्तों जो मेन फोकस रहता है वो आपको भी पता है ट्रम्प कार्ड प्लेयर पे रहता है, तो मिस नहीं कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।